हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। महिलाओं पे हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ रही है, घरेलू हिंसा, कई महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं, कहीं मारी जा रही हैं। अभी एक ताज़ा मामला आया है भरतकूप थाना क्षेत्र के हरिहरपुरवा का, जहां शोभा नाम की लड़की की शादी, जुगलपुर गांव की रहने वाली शोभा की शादी हरिहरपुर में हुई थी और अभी शादी के एक साल ही हुए हैं और शोभा की मौत हो गई है। मायके पक्ष का आरोप है कि शोभा को फांसी लगाई गई है और उसको मारा गया है, वो खुद से अपनी जान नहीं दी है। उसकी जब फ़ोन पे बात हुई उनकी 3 बजे रात में, तो लड़ाई की आवाज़ें आ रही थी। वहीं पति का कहना है कि हम दोनों एक साथ ही सो रहे थे और कब उसने फांसी लगाई मुझे नहीं पता चला है, और ये कोई भी लड़ाई घर में नहीं हुई थी। ये दहेज मांग रहे थे, दहेज जो हुआ तो दिया, अब इसके लिए बोले, ससुर जी बोल रहे थे क्या लाए है, तू इधर क्या कर रही है, ऐसा ससुर ससुर की बेटी जो है यह सब हमला किया, सास उसकी सास खाना पीना नहीं देते रहे, यह बर्त बर्त ये सारा सब हुआ करके अपने जान हत्या कर गई। ससुराल वाले की हैं, अब हम यकीन नहीं है कि ये हमको, तो हमको यह है कि ये टांग दिए हैं मार के, वहाँ 6 फीट की ऊंचाई है, वहाँ 4 पाई भी 6 फीट में हो गई, 3-4 फुट बच रहा है, 3-4 फुट में हमारी मौत नहीं हो जाएगी वहाँ से अगर टंगेंगे। नहीं फ़ोन से बात हुई है लड़ाई झंझट के बारे में, हमको आवाज़ आई है वहाँ घर पे, लड़ाई कर रहे थे 3 बजे, 12 बजे हमको 3 बजे फ़ोन पहुँचा है, पुलिस वहाँ खड़ी थी, वहाँ सब जब हम फ़ोन किए जब यहाँ आए तो सब मौजूद था, वहाँ बांध लिए सब कुछ किए। शोभा का सास का, नंदन का, पतली का, जेठे का, ससुर का भारी दुख रहा, उन्हें पैसे रह गए। काहे का दुख रहा है? काहे का दुख रहा, तारा लगा देती हैं, खाका नहीं देती रही, 24 घंटा लागा लगाए रह गई। तो लड़का का कह रहे हैं कि दादू तय सुन, तो बिटिया का लेके रह, तो दादू का नहीं गलर रही, तो मो बिटिया का मोह लगे छाड़ जाओ। कब गई थी ससुराल? ससुराल गए जाठ में, जाठ हो गए 2.5 महीना हो गई, 2 महीना हो गई। मेरे कल बोला जाओ गड़ाही डालने जाओ, तो मैं गड़ाही डालने चला गया, शाम के आया तो छत में पड़ रहा था, तो मेरे को बोला चलो खाना खा लो, तो मैं खाना खा लिया, फिर मेरे को रूम में खाना दिया, रूम में खाना खा लिया, फिर वो अपनी बहन ठा छोटी बहन ठा खाए, ये दोनों लोग गए थे छत में लेटे थे, अब नींद हम सो गए, हम जाने नहीं पाए, 2 बजे रात के हम आए नीचे उतर गए तो हम देखा तो लटकी थी। आप एक ही जगह लेटे हुए थे? हाँ एक ही जगह, तो यहाँ मेरे थोड़ी वो लाठी भर का फैसला था, और मेरे को जानकारी इतनी है मेरे साथ में रहते थे हैं, और मैं उसको ना आज तक मारा ना पीटा कुछ नहीं किया हैं, वो दो ठो कह लेती थी तो मैं सह लेता था, खटिया के चल देता था। कोई घर पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? नहीं हुआ। किसी और से हुआ? वो किसी से नहीं हुआ, किसी से हुआ? नहीं हुआ। खा पी के पड़ रहे हूँ अपने कमरा में, हम अपने कमरा में, फिर गर्म रहा तो छत में चले गए ऊपर, अब फिर दोनों मियाँ बीवी दोनों सो गए, फिर पता नहीं कितने उनर के आ गई तो अपने फांसी लगा दी है। नहीं लड़ाई झगड़ा कुछ, बढ़िया प्रेम से बनाए खाएँ हैं दोनों बहन और भाई और सब जने अपना अपना खाए। मायके पक्ष का आरोप है कि आप दहेज मांग कर रहे थे? कौन? नहीं हमने नहीं कहा कि दहेज की का कितो दी का न दी, जो जब हमारे देने के लिए नहीं आ समाई तो हम लेहूँ का नहीं को कहता को हम दे, गरीब आदमी दिन भर खंती कुदारी करी थी, तगारा करी थे, जब को ले कर दे के तैयार नहीं आए, वहाँ पर लड़की में दे के तैयार नहीं है तो कोई से कह कर ले आओ, कोई को दे आप भैया। मामला अब तो वही बता पाएंगे क्या मामला था, अब तो फांसी लगाई हम भेजे हैं सीएम पोस्टमार्टम के लिए। कोई तहरीर दी गई आपको? नहीं तहरीर अभी नहीं मिली, कोई रिपोर्ट आ जाए, कोई वहाँ से पीएम रिपोर्ट आ जाए, उसमें शायद हैंगिंग है, हैंगिंग फांसी लगाई है, 2 सगी बहनों की शादी यहाँ 2 सगे भाइयों से है, उसके माँ बाप सब आ गए थे, कोई तहरीर नहीं दिए हैं और डेथ हुई है। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।